ले चलते हैं आपको सीकर की ओर, जहां पर राजस्थान राज समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा पहुंची सीकर, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। क्योंकि मैं अभी तक 11 जिलों में जाते रह गई, आप लोग जितने सुधी और जितने समझते हो इस चीज को लेकर, उसका ही परिणाम है कि आप जब भी कोई रिपोर्टिंग करते हो उसका सकारात्मक इम्पैक्ट जाता है जनता के बीच। तो मीडिया के साथियों से यही गुजारिश हमारी कि सरकार की योजनाओं को आप प्रचारित करें ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। और हम समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रयास ये कर रहे हैं कि जनता सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजना को जनता तक, और कुछ ऐसी योजनाओं को भी हम इनोवेटिव आइडियाज या नवाचार के रूप में लेकर आए, जिसमें हमने काफी अपने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास किया। ये तो हमने कई प्रस्ताव पास किए, लेकिन एक सोच हमने ये विकसित की कि जब सरकार 2000 मॉडल महात्मा गांधी विश्व मीडियम स्कूल बोल रही है, 1000 शहरी क्षेत्र में और 1000 ग्रामीण क्षेत्र में, तो हम समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से कुछ विभाग स्तर पर ऐसे सेंटर संचालित करना चाहते हैं जो ब्रिज कोर्स करवाएगा, जो बच्चे स्कूल से निकले उनको यदि किसी भाषा में ज्ञान चाहिए, अंग्रेजी में या किसी और भाषा में, विदेशी भाषा में, तो एनजीओ को साथ में लेकर ऐसे सेंटर्स को संचालित करेंगे ताकि वैश्विक रूप में ये बच्चे यदि किसी और देश में जाकर पढ़ना चाहे तो उनको फ्री कोचिंग यहाँ पर मिल सके। एक और हमने प्रयास किया है कि देखिए, वैसे तो